क्या बोल रहे हैं? ठीक है, डन। डू पंडित नाम है उसका, बताओ ना यार कैसे लगाना है। तो सेक्रेट गेम्स के बाद जिस वेब सीरीज की इन दिनों चर्चा है वो है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में एक्शन है, बहुत सारा ड्रामा है और सोशल मीडिया पर बहुत बज़ भी है। तो हमने सोचा क्यों ना अपने ऑफिस वालों से जाने कि उन्हें मिर्ज़ापुर कैसे लगी और मिर्ज़ापुर में उन्हें क्या पसंद भी आया। तो वेब सीरीज रिलीज हुई है मिर्ज़ापुर, तो आपको कैसे लगी मिर्ज़ापुर? कहानी कुछ खास नहीं लगी, जैसे बुना गया है, कैरेक्टर को बुना गया है और जिस तरीके से वायलेंस दिखाया गया है, गालियों का प्रयोग है। तुम्हारे पे कब खत्म होंगे, ऐसे संभालोगे साहब? इसलिए मुझे अच्छी लगी मिर्ज़ापुर। अच्छी सीरीज है और मुझे मिर्ज़ापुर देख के सबसे पहले मैनपुरी की याद आ गई। यार मुझे बहुत ही बकवास लगी ऑनेस्टली, मतलब बहुत ही बकवास पूरी वो ना भी गैंग की वजह थी। क्योंकि मैं भोजपुरी लैंड से आता हूँ तो मुझे पता है कि वो जो वो एक वो मतलब इसकी स्क्रिप्टिंग कहाँ से की गई। मुझे तो कई बार इसको देखते हुए कई बार आंखें बंद कर लेनी पड़ रही थी। समेकित रूप से पूरी सीरीज बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा वायलेंस था और मुझे वायलेंस बहुत प्रॉब्लम। तो फेवरेट करेक्टर कौन सा लगा उसमें? ऑल टाइम फेवरेट मेरा वैसे भी पंकज त्रिपाठी रहते हैं। मुझे याद आएगी लोगों की बहुत अच्छी लगी यार गुड्डू पंडित। अगली बार मुन्ना भैया घर आए जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो रिश्ते वहाँ भी है कल मैया। मिर्ज़ापुर में ऐसा कोई करेक्टर नहीं है जो आपको प्रभावित नहीं करता। मुन्ना का करेक्टर बहुत ही अच्छा हो सकता था, जिन्होंने प्ले किया है उन्होंने ऐसे प्ले किया है कि जैसे वो मुन्ना मिर्ज़ापुर का नहीं वो मुंबई का हो। कहानी में मेरे को सबसे दमदार किरदार लगा कालीन भैया का। इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब, पर डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता। अगर हम डायलॉग की बात करें तो आपको कौन सा ऐसा डायलॉग लगा जो आपको याद है? हाँ डायलॉग है ना जब उसके वो जो एक मिनट क्या नाम रहता है उसका, उसके बेटे का, इसके डायलॉग ऐसे हैं कि कोई ऐसे बोल नहीं सकता। मकबूल ये इज्जत नहीं करते डरते हैं। डायलॉग एक दो ऐसे चल रहे हैं जैसे वो था कि मुन्ना मूते मुन्ना ही पानी डालेंगे, डिफेंस में भी गन, अटैक में भी गन, मिर्ज़ापुर को बनाएंगे अमेरिका। माता जी भी आए, बहन जी भी आए। क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं, मेरा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। उसका एंड बहुत अच्छा हुआ है, तो क्या लगता है कि सीजन 2 में क्या हो सकता है? क्या है कि आगे अगली पीढ़ी की लड़ाई आने वाली है। जब से हम लोगों ने टीवी देखना शुरू किया, रामानंद सागर के सीरियल हम लोग देखा करते थे, तो वहाँ जैसे ही कहानी कुछ मोड़ पे आती थी मंगल भवन या मंगल हारी चलने लगता था और फिर वो 7 दिन का इंतजार करते थे। वेब सीरीज आई तो लोगों को उम्मीद बनी कि एक बार में सारा चीज देख पाएंगे, लेकिन यहाँ भी वही हो रहा है। आप 9 घंटे 10 घंटे लगातार देखते हैं फिर आपको पता चलता है कि कहानी तो अभी शुरू हुई। वैसी एक्साइटमेंट नहीं लगती है कि क्या होगा। जो अपना गुड्डू भैया है वो उसके साथ मिलेगा और उसको वो मिर्ज़ापुर दिलाने में मदद करेगा, मुझे मतलब पूरा स्पष्ट है कि ऐसा ही होने वाला है। इसको देख के बस एक ही ख्याल आता है कि लैंग्वेज भाई साहब आपकी बड़ी ख़राब है, सुधारिए इसको।